दोस्तों आज हमारे पास है एक मिलिट्री ग्रेड स्काउट जो कि आज अप्लाई करने वाले हैं सीज़न 10 में, और ये हमारा पहला वीडियो होगा सीज़न 10 का। अब तक तो नहीं बनाया था सीज़न 10 में, बट अब बनाएंगे। बस उसके लिए हमें कुछ तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैं टायर यूज़ कर रहा हूँ ऐसा जो कि मर्ड में, ऑफ रोड में और ख़ास करके वाटर में सही तरीके से काम करे। मुझे भी मालूम नहीं वैसे तो कौन सा यूज करें, बट ये वाला मुझे सही लग रहा है। अब उसके बाद विंच की बात, तो विंच हमें पावरफुल विंच चाहिए, ऑटोनोमस और पावरफुल होना चाहिए जो कि कहीं पे भी हमारा यूज काम आ सके। और फिर वैसे तो कुछ और नहीं चाहिए सर्विस ट्रेलर के लिए, नहीं ये बेकार में हमारा गाड़ी ख़राब दिखेगा, थोड़ा सा दिखेगा। अब कलर की बात करें तो हाँ, एक बम्पर तो चाहिए हमें, और उसके बाद रूफटॉप के लिए अगर देखें तो ऐसा कुछ खास नहीं है। अब स्किप करते हैं इसे और फ्रंट बम्पर पे देखते हैं कुछ होगा तो मे बी, क्योंकि मे बी अगर पत्थर वगैरह अगर कुछ हुए तो प्रॉब्लम आ सकता है हमें। और रिम्स तो कोई भी, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट कलर में वैसे कुछ खास कलर्स हैं नहीं, बट मुझे ब्लू वाला काफ़ी पसंद आया। अब चलते हैं सीधे, हाँ अब तो सही हो गया सब कुछ। बबल सेट की छोड़ो, इसकी कोई खासियत नहीं है, बस कुछ अच्छा वाला मिल जाता तो सही अच्छा होता। और हमारा मैप अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, तो हम हैं डंकन बे में, ब्रिटिश कोलंबिया, और यहाँ से पहले फास्ट आवर की ओर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले गैरेज से बाहर निकलते हैं। और ये जो झटका दे रहे हैं बिल्कुल, अरे वाह, मैं सोचा नहीं था इसके ऊपर एक गन होगा, मैं सोच रहा था एक रेडर है ये। छोड़ो कोई बात नहीं, अच्छा दिख रहा है गाड़ी के साथ। तो मुझे भी मालूम नहीं कौन सा रास्ता कहाँ पे जाता है, बस मैं भी यहाँ पे नया हूँ, सो लेट्स एक्सप्लोर। ओके, मैं गाड़ी को यहीं पे रुकता हूँ और देखते हैं हमें पहले कौन सा वॉच टावर जाना चाहिए। सीक्वेंस में चलेंगे, मैप में चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ से हमें सामने की तरफ एक वॉच टावर है, उसको तो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये वाला, उसके बाद तीसरा, चौथा, ओहो, और मैंने इतने सारे वॉच टावर आज तक किसी भी मैप में स्नोरनर के नहीं देखा, ये तो पहली बार होने वाला है। ओके, करीब करीब अब और दो वॉच टावर रह गए हैं, सब कुछ कवर हो जाएंगे, अभी हो गया। अब देखते हैं पहले वॉच टावर में हमें कितना टाइम लगता है। इसका टेरेन मुझे भी पता नहीं किस तरह का होगा, बस पहाड़ तो दिख रहे हैं, और लेट्स होप कि उस सामने वाले बड़े माउंटेन के ऊपर ना हो। तो हमें पीछे जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये जो चेक पॉइंट है वहीं पे दिखा रहा है, तो लेट्स गो टू द चेक पॉइंट। और ठीक ठाक गाड़ी चल रहा है, बस जब कीचड़ आएगा तब पता चलेगा किस तरह होगा। यहाँ पे तो सूखा एरिया है इसलिए कोई बात नहीं। अरे वाह, गाड़ी थोड़ा सा स्लिप हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे पता चलेगा गाड़ी चलता भी है। अरे यार, गाड़ी के अंदर आ जा रहे हैं धूल, मिट्टी और पानी, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। और दोस्तों गाड़ी रुक गया यहाँ पे, इसका मतलब और भरोसा नहीं है इस गाड़ी का। अगर यहाँ पे ऐसे जगह पे अगर विंच का यूज़ करना पड़े तो फिर और भी बड़े बड़े जगह हैं जहाँ पे इसे डट के खड़े रहना पड़ेगा। अरे यार, अच्छी बात है कि बारिश नहीं हो रहा है अभी, हाई गियर पे सही चल रहा है, गाड़ी के अंदर चल रहे हैं।
अच्छा यहाँ से राइट लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई। अरे यहाँ पे वैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैप के हिसाब से तो वॉच टावर ऊपर होना चाहिए। अब ऊपर जाएंगे, एक काम करते हैं, सामने की तरफ से एक ढलान है वहीं से निकल जाते हैं ऊपर। मे भी कोई अगर ब्रेक थ्रू होगा तो देखते हैं। ओहो यहाँ पे तो एक रोड है, वाह। अब रोड से चलते हैं, अच्छी बात है। गुड, अच्छा है ब्रिज बना हुआ है। अगर फिर बनाना पड़ता ब्रिज तो फिर प्रॉब्लम हो जाता। अच्छा तो हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन पता नहीं वॉच टावर की तरफ कौन सा रोड है। वॉच टावर तो सीधा ऊपर है, अब ऊपर जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा अभी हमें। और प्रॉब्लम ये दोस्तों, इसका जो माउंटेन का रॉक है वो बिल्कुल सीधा सीधा है, जिस वजह से गाड़ी चढ़ नहीं सकता। अब ये प्रॉब्लम है, एक और रॉक स्लाइड। अब ये तो होना ही था। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन देखते हैं। एक काम करते हैं, ये साइड से चले जाते हैं कैसे भी करके, अगर ऊपर चढ़ पाता है रॉक से तो देखते हैं। अब ये तो चढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसका सामने की तरफ जो बम्पर है वो चढ़ने देगा नहीं। अब सही होगा, विंच का यूज करते हैं। ओके, और कितना ऊपर है दोस्तों, आप देख सकते हो अभी। अब धीरे धीरे करके जाना पड़ेगा, वरना यहाँ से गिरे तो सीधा ऊपर। ओके, कैसे करके तो हम यहाँ से निकल आए। अब बस पहाड़ के ऊपर किस तरह से चढ़ना है ये प्रॉब्लम देखना पड़ेगा हमें। अरे यार, सोच रहा था पूरा कंक्रीट रोड होगा, अब यहाँ पे अपनी असलियत दिखा दिया इसने। तो कोई बात नहीं, छोड़ो, ब्रिटिश कोलंबिया में है तो कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है दोस्तों ये कंक्रीट रोड ही था, लेकिन ये जो बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से ना ये सब कुछ बर्बाद हो गया। अब यहाँ पे कीचड़, अब इससे कैसे निपटेंगे। ओके, फिर से कंक्रीट रोड है, और ये शायद फ्लड की वजह से। अरे यार यहाँ पे, ओहो हो, शायद लकड़ियाँ बिछाई गई थी यहाँ पे। सावधानी से जाना पड़ेगा, बहुत कुछ नए नए चीज़ें देखने को मिल रहा है। अब हम करीब करीब तो ऑपोजिट साइड में आ चुके हैं, अब लेफ्ट चलते हैं। लेफ्ट से अगर कोई भी रास्ता होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो रास्ता खुद बना लेंगे। अब एक और रास्ता, ये वाला मैं भी पहाड़ के ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है। वैसे तो हम काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं पहाड़ के, दिखने में ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं। अरे यार, और ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, बस करीब करीब पहुंच चुके हैं। ये देखो यहाँ पे ये हमारा रूट है, मैं एक और सब पॉइंट दे देता हूँ यहाँ से, अच्छा होगा। ओके, तो इसी रूट से चलेंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं। बारिश की वजह से शायद ऊपर की तरफ, पहाड़ के ऊपर की तरफ यहाँ पे पानी बहाया गया है, रुक गया है तो। अरे यार, फिर से अब विंच का यूज करेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। देखते हैं कितना देर तक हम यहाँ पे टिके रहते हैं। लस्सी,
फाइनली दोस्तों हम वॉच टावर के पास पहुंच चुके हैं और काफ़ी एक्साइटमेंट है। अरे कहाँ गया वो वॉच टावर? अरे यार सोच रहा था सामने है, कोई बात नहीं, थोड़ा और दूर ही सही। बस वो जो मतलब एक तरह से इरिटेटिंग लग रहा था वहाँ पे, जिस तरह से फंसा हुआ था गाड़ी, अब फिर से क्यों फंस गया भाई? अब मैं मुझसे तो रुका नहीं जाता, बस चलते हैं कैसे भी करके, विंच पिंच जो भी है वो यूज करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। और ये रहा वॉच टावर, मिल गया दोस्तों। अब मंजिल दूर नहीं, ओके।
हो गया, बस पहुंच गए। अब व्यू देखते हैं यहाँ से। अब देख तो रहा होगा ना दोस्तों कितना ऊपर है हम अभी, तो देखते हैं व्यू, माउंटेन व्यू। ये तो सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है, सबका फेवरेट होता है जो भी ट्रेवलर्स लोग हैं इतना ऊंचाई तक चढ़ने के बाद। और ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वॉच टावर के लिए हम यहाँ से तो नहीं जा पाएंगे दोस्तों। ये वाला मैं ट्रक जो है छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी कार जो है ये छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, और मैं गैरेज में चलता हूँ और गैरेज से दूसरा वाला एक कार लेके चलते हैं। और ख़ास करके ऐसा स्काउट जो कि कीचड़ में ना रुके खास कर, क्योंकि हमारा जो 5 मिनट में हो सकता था वो करीब करीब आधा घंटा लगा दिया। वो ट्रैक्टर लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये वाला कौन सा है देखते हैं। अरे यार ये तो ब्लैक हो गया, कलर चेंज करके देखता हूँ। अरे पता नहीं ये क्या है, बट छोड़ो इसका कोई काम नहीं। दूसरा वाला ट्रक देखते हैं या फिर कार देखते हैं। आर्मी ग्रेडेड था तो मैं सोच रहा था कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा। ये मिनी वैन वैसे कुछ नहीं। हाँ ये वाला मे भी हो सकता है एक ऑप्शन, बट हाँ ये मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ, इसको यूज करते हैं। लेकिन इसका थोड़ा डिफरेंट कलर देखेंगे, क्योंकि इसका एक मिलिट्री टाइप का कलर था और जो पानी में बह रहा था वो मे भी इस चैनल में होगा या फिर मेरे सेकेंड चैनल में होगा। आप वीडियो देख सकते हो, लाइव SGM में होगा नहीं तो माइंडी हेड गेमिंग में होगा, तो दोनों में से किसी में एक में होगा। तो उसमें भी पानी में बह रहा था ये बेचारा, और इसको रेस्क्यू करने के लिए गया था एक अमेरिकन CST ट्रक क्रेन के साथ, वो भी मज़ेदार था। बस इसका तो काफ़ी हो चुका है, नहीं इसके ऊपर कुछ नहीं रखेंगे अब। और थोड़ा बहुत देख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में इस कार के साथ जाएंगे दूसरे वॉच टावर को एक्सप्लोर करने।